फंक्शन होते हैं और प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि पेरेंट के अंदर मौजूद होते हैं, वो किसको एक्सेस हो जाते हैं? चाइल्ड को। अगर मैं इस कैलकुलेटर की एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ तो इसके अंदर ये जो आपको फील्ड नज़र आ रही है ये चाइल्ड के अंदर अवेलेबल होंगे और ये फंक्शन भी अवेलेबल होंगे। तो एक्लिप्स के अंदर काफ़ी अच्छा इंटरफेस है जिसके अंदर आप चाइल्ड क्लासेस को बना सकते हैं। इसके अंदर दो किस्म के हम पेरेंट क्लासेस को ले सकते हैं, एक तो ये है कि जैसे हमारी अपनी कोई क्लास है अभी मैं उसी को समझाने के लिए उसी को हम ले रहे हैं, फिर हम फ्यूचर में ये कि बहुत सारी हमें बिल्ट इन क्लासेस मिलेंगी उन्हीं को मैं यूज़ करूँगा। तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास के ऊपर जाएंगे। अब मैंने इसको नाम दे दिया सब कैलकुलेटर, सब कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर का ये चाइल्ड है। और यहाँ से आपसे कह रहा है कि आप सुपर क्लास एक्सेस करें, तो आप इसके अंदर ब्राउज करेंगे सुपर मतलब पेरेंट क्लास कौन सी, तो पेरेंट क्लास मैंने इसको बता दिया कि मेरे पास है कैलकुलेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो किस्म की ये चीज़ें दिखा रहा है, एक तो वो दिखा रहा है जो जावा की या एंड्रॉयड की आपकी बिल्ट इन क्लासेस हैं, वो काफ़ी सारी एक लिस्ट ऑफ क्लासेस आ रही हैं, लेकिन साथ साथ इसके अंदर आपको वो क्लासेस भी नज़र आ रही हैं जो मेरी बनाई हुई है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेटर मेरी बनाई हुई क्लास, हाँ मैं समझा नहीं इसको, इसको किस तरह से लेके आए थे? हाँ क्लास, इसके अंदर क्लास के ऊपर गए थे हम, यहाँ पर मैं इसको दे दिया सब कैलकुलेटर। और इसके अंदर नहीं नहीं ये बस आज ही क्लास होगी, नहीं मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि बेसिकली हमने थोड़ी सी इसकी बेसिक्स हैं और इसके अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि एंड्रॉयड ही की हम क्लासेस को यूज़ करेंगे। यार अब ये तो हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते ना कि हम जो है जावा को इसमें से निकाल दें, पॉसिबल नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं नहीं वो बात आपकी सही है, सिर्फ तो एक आध क्लास के अंदर थोड़ा सा आप देख लें इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट लास्ट क्लास में सिर्फ क्लास बनवाई थी ये टॉपिक्स। चलें कल की क्लास में आप देखिए, कल की क्लास के अंदर हम इसके अंदर लिस्टनर पढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कॉम्बो बॉक्स किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, चेक बॉक्स किस तरह से हैंडल हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भी आप ये कहें कि यार आप मुझे ऑन क्लिक लिस्टनर क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है तो फिर आप मैं क्या पढ़ाऊँ उसके अंदर? नहीं है देखिए, ऑन क्लिक लिस्टनर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो कि हमारे बटन के ऊपर आ रहा है या डायलॉग बॉक्सेस के अंदर आ, तो नहीं वो भी तो सारी क्लासेस ही बेसिक्स है ना, चलें अब वो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपको मैं, लेकिन अब मैं आपसे कहता यार आप दो तीन क्लासेस बाद आ रहे हो, फिर आप कहते हैं यार मेरी बेसिक्स नहीं हुई, क्योंकि इसमें देखें दोनों चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको AVD की कमांड इसके अंदर कवर करवा दी, यार इस तरीके से AVD कमांड चलाते हैं और ये चीज़ें, अगर मैं आपको दो तीन क्लास बाद इसके अंदर ज्वाइन करवाऊंगा तो फिर आप कहेंगे यार ये चीज़ें आपने मुझे कवर ही नहीं करवाई। जैसे मैं आपसे कहूँगी आप कैलकुलेटर एक्सेप्ट कर दें, हमारी जो एप्लीकेशन दूसरी स्टार्ट होगी एम्प्लॉय का फॉर्म, वहाँ से आप आ जाएँ उसके अंदर प्योरली एंड्रॉयड ही चल रही होगी। नहीं तो उसके अंदर एक क्लास में हो जाएगा, ये सिर्फ एक ही क्लास है वो, तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ एक ही क्लास है ये, हमें करवाना ज़रूरी है। अब ये आप कर सकते हैं कि उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लें आप इसके अंदर बैठना चाहें तो वेल, वरना ये आज तो मैं बेसिकली ये टॉपिक इसके अंदर कवर करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ ब्राउज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जितनी ना क्लासेस हैं वो नज़र आ रही होती हैं। अब जैसे मैंने इसके अंदर दे दिया कैलकुलेटर, हाँ हाँ तो ये तो काफ़ी सारी इसके अंदर क्लासेस है ना, जो जावा की एंड्रॉयड की बिल्ट इन क्लासेस हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरी समझ लें। आपको जो हमने इसके अंदर आपको इसकी डेवलपमेंट की इंस्टॉल करवाई है, ठीक है, उसके अंदर ये तमाम अवेलेबल हैं। अब इसको हम सबको वन बाई वन स्टडी करेंगे, मोस्टली क्लासेस में स्टडी करेंगे क्योंकि इस तरीके से इसके अंदर यूज़ हो रही है। ऐसा तो नहीं है कुछ कैलकुलेटर इसको ले लेंगे, ये तो आपकी मेन क्लास हो गई। अब इसके अंदर हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द सुपर क्लास, तो इसके अंदर ये होगा जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास होंगे वो भी इसके अंदर इनहेरिट हो जाएंगे, साथ साथ जो है ना जनरेट कमेंट्स वो भी हमें इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसको फिनिश कर दें,
तो आपके पास एक इसने सब कैलकुलेटर की जो ना, तो अब इसके इसका फ़ायदा ये है आईडी का कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द कोडिंग ये हमें खुद करके दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सटेंड कैलकुलेटर इसके अंदर कितने आर्गुमेंट्स हैं, यानी कितने कंस्ट्रक्टर इसके अंदर मौजूद हैं, कितने इसके अंदर मेथड मौजूद हैं, वो इसने खुद हमें बना के दे दिए। प्लस इसके अलावा ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को भी खुद कॉल कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको ये कह रहा है कि एक्स वाई जी जो है ना सब कैलकुलेटर का इसने कंस्ट्रक्टर बना दिया। जितने कंस्ट्रक्टर इसके अंदर मेन क्लास के अंदर होते हैं, जैसे कैलकुलेटर में जितने कंस्ट्रक्टर हमारे पास मौजूद थे, उतने कंस्ट्रक्टर आपको उस किस में डिफाइन करके दे देगा, वो सब क्लास के अंदर डिफाइन करके दे देगा। और प्लस आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर जो है ना एक मज़ीद अपना एक मेथड डिफाइन कर दिया। अच्छा, यही काम जो है ना हम लोग बिल्ट इन जो क्लासेस हैं उसके साथ भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे एक जो हम इन फ्यूचर में काम करेंगे वो ये होगा कि मुझे एक क्लास पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक लिस्टनर की क्लास, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता यार इसमें कितने नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, इसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसकी कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो हम यही काम करवाएंगे उसके अंदर भी कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर आप न्यू पे जाएंगे, इसके अंदर आप क्लास के ऊपर जाएंगे। अब जैसे मैं ये काम करूँगा जो हम लोग जो है ना फ्यू क्लासेस में ये काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बटन पे एक लिस्टनर अटैच करना है, ठीक है, जो कि इवेंट हैंडलिंग के अंदर इसके अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर दे दिया ऑन बटन क्लिक। अब ये ऑन बटन क्लिक के ऊपर मैं एक इंटरफेस क्लास है, अभी इसको हम पढ़ाएंगे, इवेंट हैंडलिंग वगैरह उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपने उसके क्लास को कॉल कर दिया, जैसे ऑन क्लिक लिस्टनर हमारे पास है, और इसको आपने ओके करवा दिया, और यहाँ से आपने कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द सुपर क्लास और जनरेट कमेंट्स भी ले लिए। तो ये आपको ये बता रहा है कि अब इसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं, इसका कंस्ट्रक्टर कौन कौन सा है, वो तमाम चीज़ें इसने प्री डिफाइन आपको यहाँ पर शो कर दी। तो अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेस क्लास का टॉपिक, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इम्प्लीमेंट्स किस तरह से करते हैं। तो मोस्टली जो डेवलपमेंट का हमारे पास तरीका होता है वो यही होता है कि हम किसी मेन क्लास से अपनी क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। अब हम अपनी क्लास पे काम कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है ना हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि इसके अंदर हमें पता है कि यार ये एक्स वाई जी क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि जितनी भी इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट सपोज जैसे ए बी और ओ, इनको मैं अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ और इनको मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने एक मेथड बनाना है, ये एक मेथड बनाना है किसमें सब कैलकुलेटर के अंदर एक मेथड बना रहा है, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, इंटीजर आर, यानी ये एक वेरिएबल ऐसा, और इसकी दो प्रॉपर्टीज भी हम सेट गेट और सेट की यहाँ बना देते हैं। तो ये आपके पास हो गया, और इसके अंदर जो है ना आपने गेट और सेट की दो प्रॉपर्टीज़ बना दी। इसके अंदर आपने उसको दे दिया आर, और उसके अंदर दिया सेट आर, और ये वैल्यू रिटर्न करेगा आर की, और ये वैल्यू सेट करेगा किसमें, आर में। ये जो आपके पास सब कैलकुलेटर है इसके अंदर हम कोई भी इनिशियलाइजेशन जो है करवा सकते हैं। किसकी इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं, इन वेरिएबल्स की करवा सकते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर ये आर कहाँ से आया, ये आर कहाँ से आया, ये तो कहीं था ही नहीं यहाँ पर। तो बेसिकली ये एक्टिविटी क्लास के अंदर है, क्योंकि ये क्लास इससे इनहेरिट हुई हुई है, तो इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो किस में एक्सेसिबल होते हैं, इस चाइल्ड क्लास के अंदर होते हैं। तो इसी तरीके से हम सब कैलकुलेटर के अंदर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ए बी और ओ को सेट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर ए बी और ओ क्यों आ गए, वो इस वजह से आ गए, नहीं वो इस वजह से आ गए कि कैलकुलेटर के अंदर पेरेंट क्लास के अंदर वो मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमने इसको इनहेरिट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि अपनी तमाम वैल्यूज़ को भी इसके अंदर सेट कर देगा,
और इसके अलावा प्लस अपने पेरेंट की वैल्यूज़ को भी सेट कर सकता है जस्ट लाइक दिस। इस वजह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना ज़रूरी है, जैसे वरना आर कन्फ्यूजन में ही रह जाता है, आर आया कहाँ से, ठीक है ना। तो ये आर बेसिकली इसी तरीके से आया कि एक्टिविटी क्लास के अंदर एक फील्ड है या फिर जिसके अंदर जिस वो जिसके रेफरेंस वेरिएबल को वो सेट कर रहा होता है, जैसे आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट। अब हम आर एक वेरिएबल है ना, फील्ड है, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ए और बी है, ठीक है। अब मैं ए और बी को यहाँ पर सेट कर पा रहा हूँ एक्सटेंड की वजह से ना, नहीं ये तो मैंने यहाँ पर आर सेट किया है ना, वरना ए और बी को मैंने यहाँ एक्सेस किया है, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किए हुए। तो मैं ये समझा रहा था कि इसी तरीके से जो आर है एक्टिविटी क्लास के अंदर मौजूद है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये आर बेसिकली क्या है, जनरेटर, ये बेसिकली अब इन्होंने पूरी इसकी मैकेनिज्म बनाया हुआ है ना, वो क्या कर रहा है कि ये रेफरेंसेस को बिल्ड करता है, आप इसके अंदर आईडीज को फाइंड कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर रहा है, आर क्लास होती है, नहीं आर वेरिएबल है ना, ये क्लास है, नहीं नहीं क्लास कहाँ से, ये तो इसके अंदर आपको बता रहा है कि माई डॉट माई डॉट ए डॉट आर आपको बता रहा है कि ये एक नेम स्पेस है जहाँ पर वो इसको यूज कर रहा है। कहाँ आ रही है क्लास, ये तो आपको जस्ट वेरिएबल शो कर रहा है। अरे तो क्लास तो होगी ना, किसी क्लास के अंदर वेरिएबल होगा ना, ये कहाँ लेफ्ट पैन का ऊपर इसमें यार, वो तो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं ना। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार यहाँ पर मेरी जो कैलकुलेटर की क्लास है उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उसको वो यूज़ कर रहा है, तो मैं ये कहूँगी ये क्लास ही क्लास थोड़ी है। आर तो कोई बेसिक तो उसका पर्पज़ होगा ना, ये हदल आर आर तो ये कहना है यूज़ कहाँ होता है, क्यों क्यों लिखा है यहाँ पे आर, ये कहना भाई कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिस पर वो रेफरेंस को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज उसके अंदर आ रही है और वहाँ से वो उसको यूज़ कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसकी कोडिंग की बात करें तो ये पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है, एक्टिविटी क्लास के अंदर मौजूद है, उसमें जो है ये क्या कर रहा है, रेडियो वन बटन वन ये सारे इनके जो ना ये हेक्स कोड दिए, हाँ तो रेफरेंसेस बिल्ड कर रहा है ना, मेमोरी लोकेशंस को इतना बिल्ड कर रहा है अपने अंदर, अपने पास उसके लोकेशंस को मैप कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में कहता हूँ कि इसके अंदर ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ये भी तो एक रेफरेंसेज है। अब यहाँ पर जो रेफरेंसेज बिल्ड किए हुए वो पूरी एग्जाम्पल रिसोर्स से किए हुए, यानी अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक रिसोर्स फाइल से वो उसके रेफरेंसेस को बिल्ड कर रहा है, जिसमें आईडी भी आ रहा है, उसमें लेआउट भी आ रहा है, उसका स्ट्रिंग भी आ रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर ड्रॉएबल भी आ रहे हैं, यानी काफ़ी सारी। अब इसके अंदर वेरिएबल्स की हमारे पास टाइप होती है ना, दो किस्म के हमारे पास वेरिएबल हो रहे होते हैं, एक तो ये है कि हम जो वेरिएबल की क्लास बना रहे हैं वो एक फिक्स वैल्यू की है, मैंने इंटीजर दे दिया, कैरेक्टर दे दिया, और दूसरा हम एक वेरिएबल ऐसा बना सकते हैं कि जिसकी अपनी एक क्लास हो, ये भी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एम्प्लॉय क्लास का एक वेरिएबल बना देता हूँ, एम्प्लॉय क्लास का, जैसे इस केस के अंदर नजर आ रहा है, जैसे आपको कन्फ्यूजन ये हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि ये आर एक क्लास है, हाँ, ये बेसिकली एक क्लास का वेरिएबल है और उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कोई भी नाम रख देते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉय की क्लास का वेरिएबल है जेड नाम रख देता हूँ, अब जब Z के मैं एट्रीब्यूट्स को खोलूंगा ना तो उसके अंदर मुझे नज़र आ रहा होगा नेम भी आ रहा है, उसका फादर नेम भी आ रहा है उसके अंदर, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि यार Z एक क्लास है, मैं ये कहूँगा कि Z किसी एक ऐसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है जिसके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो क्लासेस को हम जो डिफाइन कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आगे चल के जो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें एक एम्प्लॉई क्लास बनाएंगे। अब जब मैं रिकॉर्ड को सेव करूँगा ना तो उस एक वेरिएबल्स के अंदर उसके चार एट्रीब्यूट्स को सेव करूँगा, जैसे नेम है, फादर नेम है, एनआईसी है, उसका रोल नंबर है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि यार एम्प्लॉय की क्लास का ये एक वेरिएबल है या ये एक क्लास है, वो एक वेरिएबल ही है। अब ये हो सकता है कि वो पूरी जो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है वो एक कलेक्शन हो, जैसे कलेक्शन हो जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉय का एक कलेक्शन है, तो ये उसी किस्म की एक बात कर रहा है उसको। तो हम ये बात कर रहे थे, हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो चाइल्ड के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन कर लिया, ये जो कंस्ट्रक्टर था ये इसको कहाँ से मिला है, पेरेंट से मिला है ना, सब कैलकुलेटर ये हमने खुद ब खुद इसके अंदर डिज़ाइन कर लिया था। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट सपोज इसके अंदर मैंने बना लिया इंटीजर जे, और अच्छा ये जो है ना सुपर, सुपर का मतलब ये होता है
कि जब ये इसको कॉल करेगा ना तो ये इस कैलकुलेटर के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेट हो जाएगी, यानी यहाँ से ए और बी के अंदर ये वैल्यू सेट हो जाएंगी। और मैं क्या करूँगा कि अपनी आर की वैल्यू यहाँ पर एडिशनली, क्योंकि वो इस क्लास का पार्ट है, उसमें सेट कर दूंगा मैं। तो आर की वैल्यू मैंने जे से सेट कर दी। ओके, क्लियर हुआ? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर होने चाहिए भाई। पेरेंट और चाइल्ड क्लियर हो गया? आर समझ में आ गया क्या है आर? अच्छा, आर इस नाम से कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका नाम कुछ और रख देता हूँ मैं, इसका नाम जी रख देता हूँ मैं। तो जी में हमने वैल्यू सेट कर दी है, सही है? आपको तो मुझे स्पेशल असाइनमेंट देने पड़ेंगे फिर, आप बोर हो रहे। हाँ बोले, इसका वैल्यू सेट नहीं हो रही होगी ना। चला मैं क्लास का देखता हूँ उसका। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जी के अंदर वैल्यू सेट कर दी, जो जी के अंदर जो वैल्यू सेट हो रही है वो तो जे की हो रही है। हाँ, जे की हो रही है, और जो बाकी जो हो रही है ये, अच्छा ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है सुपर के अंदर जाके, ये सुपर में ए और बी में सेट हो रही है। और जो हम सब कैलकुलेटर के अंदर जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ए बी और ओ को यूज कर रहा हूँ जो कि इसने सुपर ने सेट कर दिया, और जे को भी मैं यूज करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सब क्लास का फंक्शन कॉल करूंगा, तो मैंने क्या किया, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई बाय जे कर दिया। जे में जो वैल्यू होगी उससे बड़ी, हाँ, तो यानी सॉरी जे नहीं आएगा इसमें, जी आएगा। जी ये कर दिया, सही। तो इसको पढ़ाने का बेसिक मकसद ये था कि हम ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट के भी तमाम फंक्शन और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है, और हम उसको ओवरराइड भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला जब मेथड कॉल हुआ ना, तो ये किससे करेगा, ये चाइल्ड को कॉल करेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सर, ये मेन फायदा इसका क्या होता है चाइल्ड बनाने का? यार ये काम हम इसको भी कर सकते थे। ये तो बेसिकली हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं आपको। अच्छा। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये बता सकूँ कि यार ये जो मेथड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑन क्रिएट का मेथड कहाँ से आ गया, नहीं मेरा क्या, या फिर आर का मेथड, आर वेरिएबल कहाँ से आ रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि पेरेंट से चाइल्ड में किस तरीके से वैल्यूज आती हैं, उसको किस तरह से हम सेट करते हैं। तो इसका बेटर वे ये होता है कि हम अपनी एक क्लास बना के ना उनसे तमाम चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे, काम किस तरह से हो रहा है। हर तो चीज़ नहीं एक्सिस करता, अगर हमने डिफाइन प्राइवेट किया है उसके मेंबर्स, तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। वो तो डेफिनेटली ऐसा ही है, मेथड भी प्राइवेट कर सकते हैं। हाँ, मेथड भी प्राइवेट कर सकते हैं, फिर चाइल्ड एक्सेस नहीं कर पाएगा वो, तो डेफिनेटली वो तो है ना। तो इसको सेव कर, हाँ इनहेरिटेंस। अभी हम जो लास्ट वन है इसके अंदर, आज की क्लास का जो आखिरी टॉपिक है वो इंटरफेस क्लास होगा, कि हम अपनी एक इंटरफेस क्लास बनाएंगे और उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये बस आखिरी टॉपिक है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एम्प्लॉय का फॉर्म स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर फिर हम लोग प्योर जो एंड्रॉयड की क्लासेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अंदर भी आप ये देखेंगे, ये क्लास जो आज मैं ले रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये आ जाएगा कि वहाँ पर इस क्लास के बजाय मैं एंड्रॉयड की जो बिल्ट इन क्लासेस हैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। लिस्टनर्स वगैरह की क्लासेस हैं, या मेन कोई क्लास है जिससे हम उसके इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर तमाम फंक्शनैलिटी ना उसके अंदर आ जाएगी। सर मतलब कल जावा बेसिक खत्म हो जाएगी? यार बेसिकली जावा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो यही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे ज़्यादा जावा नहीं है। अब हम नहीं, और दूसरा ये कि देखो जावा जो है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आप उठा लो, उसके बेसिक प्रिंसिपल तो यही होते हैं। फिर उसमें जो काम हम लोग कर रहे होते हैं वो उसकी क्लासेस से काम कर रहे होते हैं। जैसे जावा में डिफरेंट क्लासेस हैं, वहाँ पर जे फ्रेम की क्लास होगी, अगर मुझे फ्रेम बनाना है वहाँ पर लेआउट्स की अलग क्लासेस होंगी, यहाँ पर लेआउट की अलग क्लासेस होंगी, वहाँ पर कॉम बॉक्स की इवेंट हैंडलिंग करनी है उसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, यहाँ कॉम बॉक्स की इवेंट हैंडलिंग करनी है उसकी डिफरेंट क्लासेस हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेज हमारे पास आती है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो ये आती है कि आपको उसकी क्लासेस को जानना पड़ता है। कोई भी काम करवाने के लिए आपको जो एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड थीम चेंज करनी है, मैं कैसे करूँगा? मुझे टैब विंडो लगानी है, उसकी इवेंट हैंडलिंग करनी है, कैसे करूँगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जानना पड़ेगा कि यार टैब विंडो की कौन सी क्लास होती है, ठीक है, बैकग्राउंड थीम की कौन सी क्लास होती है, लेआउट को अगर मैं यहाँ से सेट करना चाहूँ जैसे ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे कर दूँ, तो उसकी कौन सी क्लास होती है। तो ये फिर जानने की तरफ आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक प्रिंसिपल यही होते हैं, इनकैप्सुलेशन,
जो हमने देखा कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स फील्ड से हम कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस पेरेंट्स से चाइल्ड की हम बात कर लेते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। बाकी अभी ये हमारे पास इंटरफेसेस क्लासेस आ जाती हैं जो कि हम एंड्रॉयड के अंदर या जावा के अंदर इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा। हाँ, ये इसको कह सकते हैं खास तक। अच्छा, आप इसके अंदर जो है ना, आप इसको सेव कर देते हैं और स्टैटिक वो है। हाँ, अच्छा, अब इसके ऊपर आप चले जाएंगे जो है ना मेन क्लास के ऊपर। अब यहाँ पर मैं जस्ट ये करता हूँ कि अपना मेन फंक्शन के बजाय इसको मैं रिमार्क्स कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना हम इसको यूज़ कर लेते हैं, सब क्लास को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय सब क्लास, उसके अंदर सब कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। चाइल्ड को पेरेंट नहीं बना रहे, नहीं, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बना रहे, ठीक है। चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट बन सकता, ठीक है। तो इसका हमने अब दो किस्म के इसके अंदर कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं ना, एक तो नल कंस्ट्रक्टर है। तो अगर नल कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा तो इसमें मैं कहीं पर जो है ना अपने जी को यूज़ नहीं कर रहा। हाँ बोले, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे थे वहाँ पर हमें चेंजिंग कल ओ की जगह करना था ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। ये तो मैंने रिमार्क्स है ना, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है ना, क्लास का नाम चेंज होगा ना, ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है ना। अब यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास करूँगा, तो अगर इसको आप देखते हैं जो सब क्लास के हमारे पास सब कैलकुलेटर के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कैलक ओ आई थिंक सेव नहीं हुआ ये, अब इसके अंदर फोर आर्गुमेंट्स जो है ना हम वो पास कर सकते हैं अपने सब कैलकुलेटर के अंदर जो हमने डिफाइन किए थे, जैसे ए बी और कोई एक वैल्यू इसके अंदर हम यहाँ पास कर देते हैं। एक्स वाई जी और इसके अंदर एक स्टैटिक आर्गुमेंट हमने पास कर दिया टू, ठीक है। तो ये एक्स वाई जी तो नॉर्मली चले जाएंगे और इसकी कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म कर देगा। फिर यहाँ पर हम इसका मेथड कॉल कर लेंगे, अब मेथड के अंदर जो है ना डायरेक्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टर इसको हम कॉल कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर देंगे। अब इसमें डिफरेंस ये होगा कि हर चीज़ को ना टू से मल्टीप्लाई करके शो करेगा, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड और जे की जो है ना वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक्स वाई जेड तो इसके अंदर पास हो रहा है और जे की वैल्यू जी में सेट हो रही है, और जब हम कैल का मेथड कॉल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि इसको यानी जी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, और जी में हम क्या सेट कर रहे हैं यहाँ पर टू सेट कर रहे हैं, तो उसको कैल की जो वैल्यू है वो हमें इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब इसको जो है हम एट द एंड इसके ऊपर सेट कर देंगे, यार ये कंस्ट्रक्टर था ना सब कैलकुलेटर का, इसमें चार आर्गुमेंट थे, तो इसलिए फर्स्ट पे जो है ना ऑटो पे जाके वहां जी, हाँ, एक्स एक्स वाई और जेड, और ये जो है लास्ट आर्गुमेंट जो है ना इस पे जे पे जाएगा, हाँ, उसको वो यूज़ कर लो, खुद ब खुद उसको ले लेगा, और इसकी वैल्यू को जो है ना हम इस पे सेट करवा देंगे ए डॉट सेट टैक्स। तो ये इसमें वैल्यू सेट हो जाएगी, तो इसको कैलकुलेशन में फॉर्म करके देखते हैं, तो ये हमारे पास सब कैलकुलेटर जो है ना इसके थ्रू कवर हो जाएगा।
ہاں تو بند کرنا پڑے گا اس کو. یار یہ چیزیں نا کہیں لکھی بھی نہیں ہیں, یہ تو ہم پریکٹس کرتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ آتا ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے. جب یہ دے فیل ٹو اسٹارٹ. ہاں 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 نہیں موبائل بھی ڈیولپمنٹ بڑی آسان ہے. تھری جی تو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے, جیسے فار ایگزامپل جو سم ہے نا اس وقت ہمارے پاس جی پی آر ایس پہ جو انٹرنیٹ چل رہا ہے بہت سلو چل رہا ہوتا ہے, وہ سم میں آپ کو جو ہے نا کوئی بھی موبائل کمپنی اگر 3G نیٹ ورک دے دیں گے تو اس کی اسپیڈ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار سعودی میں نیٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں 3G ہے یا 4G ہے, وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کی سیو کر دیتے ہیں بس آج اس کو کلاس میں ہی رکھیں گے, وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں.